भाजपा के उम्मीदवारों की सूची देख के यह लगता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा कोई मुकाबला करना ही नहीं चाहती। चुनाव शुरू होने के पहले ही भाजपा ने हार स्वीकार कर ली है। भाजपा के प्रत्याशी जनता के द्वारा नकारे हुए, पार्टी के द्वारा नकारे हुए और कार्यकर्ताओं के द्वारा नकारे हुए प्रत्याशी हैं। जब 10 लोकसभा सदस्यों की टिकटें भाजपा ने काटी थी, उस समय भी कांग्रेस ने यह सवाल किया था कि भाजपा क्या आकाश से तोड़कर प्रत्याशी लाएगी या पाताल से खोदकर निकालेगी। और ये सूची देखकर भाजपा के सभी 11 प्रत्याशी घोषित होने के बाद यह स्पष्ट लग रहा है कि भाजपा कहीं दौड़ में है ही नहीं। कोई नए चेहरे तो भाजपा के उम्मीदवारों की सूची में नहीं है। ये तो कोई विधायक का चुनाव हारा हुआ है, किसी की टिकट स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने काट दी, किसी का विरोध स्वयं भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ऐसे प्रत्याशियों को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव शुरू होने के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली। सभी समाजों को प्रतिनिधित्व देने का दावा भले ही भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन हकीकत यह है कि सामाजिक समीकरणों को कांग्रेस ने भाजपा से बहुत बेहतर ढंग से साधने का काम किया है। कांग्रेस की सूची छत्तीसगढ़ के सभी समाजों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करने वाली सूची है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने निषाद समाज, यादव समाज और हर समाज के सम्मान का, उनके प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा है और कांग्रेस पार्टी की सोच इस मामले में भारतीय जनता पार्टी से कहीं बेहतर नजर आती है। आपने देख लिया कांग्रेस के राजबब्बर जैसे ही मेरा नाम घोषित हुआ भाग गए। सही है, हमसे एकादशी के जल्लोस में पूछा गया, हमने एक ही बात कही, मैंने राजबब्बर जैसे तो हमारा क्या चुनाव का मुकाबला, और सोनिया लड़े, प्रियंका लड़े या राहुल गांधी लड़े तो चुनाव में थोड़ा लड़ने मजा भी आएगा, हमें इनसे लड़ने में क्या मजा लड़ रही है। तो कोई भी आते नहीं, अभी सब बोखलाट में जरूर क्या करते हैं। अब आज देख लो, समाजवादी का प्रत्याशी घोषित अभी तक नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई कारण तो होगा। मैं कोई चुनौती नहीं मानता, ना मैंने कभी कोई चुनौती मानी है, एक नहीं 10वां चुनाव में खुद लड़ना जा रहा हूँ, मेरे पिताजी भी लड़ लिए, 18वां चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, हमारा परिवार, मैं, मेरे फादर और मेरा बेटा, और 13 बार जीते हुए 14वीं बार भगवान भोले के आशीर्वाद से विजयश्री मिलेगी। कौन सी चीजें हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको इस बार आप जनता के बीच में रखने जा रहे हैं? सिर्फ मात्र मान सम्मान और विकास। एक भी व्यक्ति लोकसभा का तो लोकसभा के बाहर के भी नहीं कह सकते जो हम मान सम्मान ना देते हो और जिसकी समस्या ना सुनते हो, समस्या दूर ना कराते हो, और विकास। पूरी लोकसभा में 4था राउंड मेरा चल रहा है, 4था राउंड, अभी सांसद जीतने के बाद दोबारा बीच में नहीं जाते पूछना है। मैं हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में 3-3 बार घूम चुका हूं। उस समय जाता था परिवार के दुख सुख में खैर खबर लेने, विकास की जानकारी करने, और अब जा रहा हूं उनसे फिर दोबारा आशीर्वाद मांगने। तो सबसे पहले लालू जी ने ही ये बात कही थी कि इस दक्षिण पंथी अधिनायकवाद से लड़ने के लिए तमाम दलों को अहंग त्यागना होगा, मतभेद भुलाने होंगे और एक बड़ी चादर बनानी होगी। उसके नतीजतन कई राज्यों में ये हुआ, हो भी रहा है, कोई चिंता नहीं है। 40 से ज़्यादा बेटियों की गुहार अब शायद चुनाव में उन्हें पता चलेगा कि जो टिप्पणियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है ना, वो आवाम के बीच में जाएंगी, तब ये फिर अब फिर पूरा तालमेल महागठबंधन हवा में चला जाएगा। कोई भी अगर अनुसंधान हो रहा है और उसकी परिणति नहीं हुई है, कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो हर आदमी का अधिकार है। और मैं तो आपको एक लंबी फहरिस्त बता दूं, यहाँ तो काले अध्याय के साथ लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं, कई तरह का ज्ञान दे रहे हैं जिसमें राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति का भी ज्ञान है। कानून अपना काम करे, कानून का निज़ाम है, जब कन्विक्शन होता तब और बात होती। 77वीं में इंदिरा जी के सलाहकार देवकांत बरुआ जैसे लोग यही बात कहते थे, तो मैं समझ रहा हूँ अमित शाह जी नए देवकांत बरुआ हैं। मोदी जी की व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, वो 1000 साल जिए और हर साल में 1000 दिन हो, विरोध है उनके क्रोनी पूंजीवाद के प्रति रुझान से, विरोध है उनकी किसान विरोधी नीति से, विरोध है कि रोजगार के मामले पे सेलोटेप चिपका के मेरे प्रधानमंत्री बैठ गए हैं, विरोध इस बात से कि मेरे प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी नॉन स्क्रिप्टेड
ओपन इंटरव्यू नहीं दिया है। विरोध इस बात से है कि मेरे प्रधानमंत्री का प्लेन अफगानिस्तान से इस्लामाबाद चला जाता है, आज तक मुल्क को पता नहीं चला कि किसके कहने पर गए और क्यों गए। विरोध इस बात से है कि आप एक तरफ पाकिस्तान को जाकर के बधाई देते हैं और यहां नौटंकी करते हैं कि पाकिस्तान दिवस का बहिष्कार किया जाए। विरोध इस बात से है कि प्रधानमंत्री जी आपने इस मॉब लिंचिंग नाम की एक नई प्रणाली का जन्म दिया है। विरोध इस बात से है कि प्रधानमंत्री जी आपके आने के बाद सामाजिक सौहार्द न्यूनतम सूचकांक पर है। मोदी जी के व्यक्ति से विरोध नहीं है, उनकी नीतियों से विरोध। ये मिस्टर आदित्यनाथ की कोई पॉलिटिकल समझ नहीं है, माफी के साथ कहता हूं। ये व्यक्ति सिर्फ मठ चला सकते हैं। अरे बिरयानी कौन खा करके आया जरा मोदी जी से पूछ लीजिए, वो खुद बता देंगे कौन सी बिरयानी खा करके। ये कौन सी जुबान होती है? क्यों क्यों प्रधानमंत्री जी लव लेटर लिख रहे हैं? डोकलाम पे क्या हमने नहीं देखा? मसूद अजहर के मसले पे डिप्लोमेसी को आपने ट्रायल बलून बना करके 4.5 साल में रख दिया। सेना की शहादत और शौर्य को आज तक कभी इस मुल्क में नहीं हुआ, अपने पोलिटिकल पोस्टर पर ले गए, क्योंकि आप हारे हुए असफल लोग हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आपने कुछ हासिल किया हुआ। तो मिस्टर आदित्यनाथ, आप तो उन सैकड़ों बच्चों की मौत के गुनहगार हैं जो ऑक्सीजन की कमी से मरे थे। ऑक्सीजन मुहैया कराइए। मिस्टर आदित्यनाथ जी, आपसे उत्तर प्रदेश चलने वाला नहीं है। नतीजे के बाद तो आपको हटाएंगे ही, हम भी जानते हैं।